kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Winston School, Sirsa. Kids, now assembly time. Abhi kaun sa time hai beta hamara? Assembly time hai. Aur aaj hum log assembly time mein bete, aaj hum log kya karne wale hai? Use of he and she. देखो बच्चों, मैं आपको use of this, that, these, those आपको already करवा चुकी हूँ ना. तो आज हम लोग एक नया topic करने जा रहे हैं जो है use of he and she. okay बेटा, clear? वैसे बच्चों, मैं आपको he और she के बारे में बता चुकी हूँ, पर आज आपको इसको अच्छे से explain करने वाली हूँ. okay बेटा, shall we start? okay, let's start. देखो बेटा, यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा है यूज ऑफ ही शी. ओके बेटा, क्लियर है बच्चे? इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा वह, दोनों का ही मीनिंग होता है हिंदी में वह. क्लियर? तो अब मैं आपको बता दूं कि ही जो वर्ड है, ही इज यूज फॉर बॉय. हमेशा बॉय के साथ ही का यूज करते हैं, ठीक है? एंड जो शी का यूज होता है बेटा, वो हमेशा गर्ल के साथ यूज होता है. क्लियर बेटा? बॉय चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी मेल है, चाहे वो पापा है, चाहे वो अंकल है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो ना, किसी भी इंसान के बारे में. हाँ, ये चीज पे ध्यान रखना बेटा, ये जो दोनों वर्ड है ये किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं. ओके, पर्सन के लिए, ठीक है? जो दिस दैट था, दीज दोज था, वो थिंग्स के लिए था, चीजों के लिए था. बट अगर आप किसी पर्सन के लिए कोई बात कर रहे हो, आप उसका बार बार नेम तो नहीं लोगे ना, तो उस नेम की जगह पर आप ही का या शी का यूज करोगे. ओके बेटा, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. देखो बेटा, अब मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था माई बेस्ट फ्रेंड का, करवाया था ना मैंने आपको माई बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक. तो उसमें क्या था, अब सपोज करो कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, वो एक बॉय है. अब मैंने आपको उस दिन भी यही करवाया था कि रेहान इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, मैंने ये करवाया था ना, रेहान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था कि आप बॉय की बात हो रही है, अगर किसी बॉय मतलब एक फ्रेंड का, फ्रेंड जो है वो आपका बॉय है, तो आप उसका नेम नहीं लोगे बार बार, उसके नेम की जगह पर आप ही का यूज करोगे. अब ये सेंटेंस बेटा अच्छे नहीं लगते. जैसे सपोज करो, अब मैंने बोला रेहान इज माय बेस्ट फ्रेंड, रेहान इज इंटेलिजेंट, रेहान इज एक्टिव, रेहान स्पीक्स ट्रूथ, और रेहान ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, है ना? तो मैं ये चीजें अगर बोलती हूँ तो मैं बार बार रेहान 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 नहीं बोलूंगी, तो मैं कैसे बोलूंगी बेटा? पहले उसका, सबसे पहले हम उसका नेम बोलेंगे, रेहान इज माय बेस्ट फ्रेंड. फिर मैं उसी लड़के की बात कर रही हूँ ना, उसी बॉय की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी ही इज वेरी एक्टिव, ठीक है? ही, और ये ध्यान रखना बेटा, ही कब यूज होता है? हमेशा सेंटेंस के पहले यूज होता है. जब भी आप कोई सेंटेंस नया शुरू करते हो तब आप ही लगाते हो. ही कहीं सेंटेंस के बीच में नहीं आता, पीछे नहीं आता, नहीं आता. तो ही जो वर्ड है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है. क्लियर बेटा? अब मैं कैसे बोलूंगी, देखो, रेहान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज वेरी एक्टिव, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है? तो मैंने ही लगाया ना, ही यूज किया ना. क्यों? क्योंकि मैं एक बॉय की बात कर रही हूँ, ठीक है बेटा? समझ में आया कुछ? अब ऐसे ही कंपैरेटिवली अगर कोई मेरी गर्ल है जो मेरी फ्रेंड है, अब कोई गर्ल है वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है? जैसे अब मैं बोलती हूँ कि रूहाना इज माय बेस्ट फ्रेंड, रूहाना एक गर्ल है. क्लियर? नाम से पता चलता है ना कौन सा बॉय है कौन सा गर्ल है. तो रूहाना एक गर्ल है, ठीक है? तो अब मैं क्या बोलूंगी कि रूहाना इज माय बेस्ट फ्रेंड, रूहाना ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, रूहाना इज वेरी इंटेलिजेंट, रूहाना इज वेरी एक्टिव. नहीं, रूहाना 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 रूहाना, नो, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगी, अब रूहाना एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है?
शी वर्ड यूज करना पड़ता है ना, तो मैं कैसे बोलूंगी कि रोहाना इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। और मतलब उसके साथ मैंने शी का यूज किया ना, क्योंकि मैं एक गर्ल की बात कर रही हूँ। क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट? क्लियर हुआ? आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो और अगर वो बॉय है तो आप बॉय का नेम बार बार नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे उसके प्लेस पर ही का यूज करोगे और सेंटेंस के एकदम पहले। क्लियर? ऐसे ही अगर आप किसी गर्ल की बात कर रहे हो और आप उसका नेम बार बार नहीं बोलोगे, आप नेम नहीं बोलोगे लेकिन आप शी वर्ड का यूज करोगे क्योंकि आप एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हो और शी वर्ड जो है सेंटेंस के सबसे पहले लगता है। ठीक है बेटा, अब ये तो था मैंने एक बेस्ट फ्रेंड का आपको एग्जांपल दे दिया। अब सपोज करो कि मैं आपको कोई भी टॉपिक देती हूँ, एक प्लेयर है, ठीक है, MS धोनी, मतलब एक प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है, आपको उसके ऊपर कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? MS धोनी इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, अगर उसके बारे में कोई ना बात करनी है तो आप ही वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक किसी बॉय के बारे में है तो आप ही का यूज करोगे, अगर कोई भी टॉपिक किसी गर्ल के बारे में है तो आप शी का यूज करोगे। क्लियर बेटा? समझ में आया? मैं आपको दोबारा बताती हूँ बेटा, यूज ऑफ ही एंड शी, इसका हिंदी में मीनिंग होता है वह, और ही ऑलवेज यूज होता है बॉय के लिए और शी ऑलवेज यूज होता है गर्ल के लिए। इट मीन्स ये दोनों जो वर्ड्स हैं किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं। अगर आप किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसका बार बार नेम नहीं बोलोगे, अगर उस बॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप ही का यूज करोगे, और अगर ऐसे ही आप किसी गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हो तो आप शी वर्ड का यूज करोगे। ओके बेटा, क्लियर? और ही एंड जो शी है वो हमेशा सेंटेंस के पहले आता है। ओके बेटा, तो आपको इसको घर पे अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।